बातें बता। देखो तीन प्रकार के डिसीजन, ओए तीन प्रकार के डिसीजन होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, है फाइनेंस डिसीजन, और एक होता है डिविडेंड। क्या होता है, कोई असेट खरीदे या ना खरीदे। जैसे कोई तुम धंधा कर रहे हो, तुमको लग रहा है कि यार नया प्लांट लगाते हैं, बात समझ में आ रही है, या नई फैक्ट्री खोलते हैं या नई लगाते हैं, तो हमको वो करना। जैसे हम बोल रहे हैं यार यहाँ पे टीवी लगाते हैं, ये भी एक प्रकार से क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हमको वो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए करना चाहिए। इसके लिए अलग अलग मेथड कैलकुलेट करने, कैसे आपको डिसाइड करना है कि करना है कि नहीं करना। इसके लिए एक चैप्टर, आपका लास्ट चैप्टर बचा है फाइनेंस का, कैपिटल बजटिंग। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन की कुछ कुछ बातें शायद आपको अभी उतने अच्छे समझ, कि आपने कैपिटल बजटिंग चैप्टर नहीं पढ़ा। जैसे कैपिटल बजटिंग चैप्टर पढ़ोगे, उसके तुरंत बाद ये वाली थ्योरी आके पढ़ोगे, समझ में आके। फिर भी थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने के दो तीन मेथड्स होते हैं, मैं सिर्फ नाम बोल रहा हूँ, वो अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। एक होता है पे बैक मैथड, एक होता है और तीसरा होता है IRR। क्या होता है IRR, क्या ये मेन मेथड होते हैं तो आपके एग्जाम में आपको कैलकुलेट आएगा IRR तो आ सकता है। 80% चांस है कि क्या आएगा, NPV, कैपिटल बजटिंग में आपको NPV। थ्योरी में यही लिखा होगा कि पेबैक क्या होता है, NPV, IRR, तो थ्योरी में ये सब मत पढ़ना। जब कैपिटल बजटिंग में पढ़ेंगे तो कैलकुलेट ही करना सीख अच्छे से। ओके हाँ या ना, फटाफट बोलो। और भी मेथड्स के नाम ये हो सकते हैं, एवरेज रिटर्न, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किस चीज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बात समझ में आ रही है, कौन कौन से मेथड होते हैं, पेबैक, NPV और IRR। अभी सिर्फ नाम सुना इसलिए जी हाँ होगा। फाइनेंसिंग डिसीजन दो प्रकार के डिसीजन, अच्छा सॉरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होते हैं कैपिटल बजटिंग और एक होते हैं वर्क, सुन लेना ध्यान से। एक होता है कैपिटल बजटिंग मतलब फिक्स एसेट खरीदे कि नहीं, समझ में नहीं, नया प्लांट, नया फर्नीचर, नया टीवी, ये क्या है बेटा, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या बात समझ में आ रही है। दूसरा, कितना पैसा हम अपनी वर्किंग कैपिटल में फंसाएं, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जो आपने पढ़ चुका है। जैसे आपने वहां पे क्या सीखा था, ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना सीखा था, कितनी वर्किंग कैपिटल में पैसा फंसा होना चाहिए सीखा था। तीसरा, आपने उसमें क्या सीखा था, डेटर्स में कितना पैसा फंसा होना चाहिए, इन्वेंट्री में कितना, EOQ सीखा था, इन्वेंट्री में कितना पैसा फंसा। तो वो कौन से डिसीजन है बेटा, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जिसकी डिटेलिंग आप अच्छे से कर चुके हो। तो एक डिसीजन होता है तुम्हारा कौन सा बेटा, मुझे बताओ। एक होता है कैपिटल बजटिंग, एक होता है कैपिटल, जो आते हैं कैपिटल बजटिंग आते हैं। कैपिटल बजट मतलब फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स। IRR और क्या, और भी मेथड होते हैं, PI वगैरह, पर यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। दूसरा होता है फाइनेंस, तो क्या होता है फाइनेंस, फाइनेंस डिसीजन के अंदर हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमको कितना पैसा कहाँ फंड उठाना है, कितना कैसा कहाँ, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। ये पूरा आपने कैपिटल स्ट्रक्चर से पढ़ा है, अलग अलग थ्योरीज पढ़ी। कोई बोलता था डेट अच्छा, कोई बोलता था इक्विटी अच्छा, कोई बोलता डेट इक्विटी फर्क नहीं पड़ता, याद है क्या, NI, NOI, MM, क्या बात समझ में आ रही है। किसी ने बोला कि डेट लो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसकी होती कॉस्ट कम लगती है, किसी इक्विटी लो तो अच्छा है क्योंकि रिस्क कम लगती है, किसी ने बोला डेट लो चाहे इक्विटी लो, कंपनी को कमाना चाहिए, बस मुद्दा वो होता है। अब इसी की इन्होंने कहानी बहुत लंबी चौड़ी बिछाई होगी। क्यों लंबी चौड़ी बिछाई होगी, क्योंकि अज्यूम कर रहे हैं कि आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, जबकि एक्चुअली आप पढ़ चुके हो। आप रीड करोगे आपको पुरानी बातें पूरी, हाँ या ना, फटाफट बोलो। तो होता है तुम्हारा कौन सा डिसीजन, फाइनेंस कौन सा डिसीजन होता है बेटा। तीसरा होता है तुम्हारा डिविडेंड डिसीजन, क्या होता है डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड तुमको देना है नहीं देना है, डिविडेंड क्या, इन्वेस्टर आपसे डिविडेंड आशा रखता है नहीं रखता है, तो बोलते हैं अपन डिसीजन। वो भी अपन पूरा पढ़ चुके, मेनली ये तीन चीजें आपको पढ़नी है। उसके ऊपर उन्होंने पहले थ्योरी दी है, कहानी कहानी है, इंट्रोडक्शन आप पूरा मतलब बहुत ज्यादा टाइम मत ना, बस ऊपर से नजर नहीं है आपसे कभी एग्जाम में मीनिंग ऑफ फाइनेंस वो नहीं पूछेगा। क्या बात समझ में आ रही है, बताओ मीनिंग ऑफ क्या होता है, ठीक है क्या, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बेसिक बस ये कर लेना, नजर मार लेना, तीन प्रकार के फाइनेंस होते हैं, पब्लिक फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस। कल ही मैंने बताया था, याद है क्या, गवर्नमेंट कितना पैसा, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट कितना पैसा कहाँ खर्च करेगी, कैसे यूज, तो क्या बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा किसी ने, आज के न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज की हेडलाइन है जो क्या बोल रही है, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस, ठीक है क्या, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस, दोनों क्या करने वाले,
जनता के पैसे को लुटाने वाले इस चीज के लिए एक बार बीजेपी क्या हम ये फ्री, अब कांग्रेस ने बलवादे शुरू कर दिया। अच्छा ये फ्री दोगे हम वो, जैसे घर का पैसा है बात समझ में आ रही है, पूरा टैक्स का पैसा है जो एज ए स्टेट वो कर्जे में डूबता जा रहा है, लेकिन फिर भी दोनों गवर्नमेंट्स क्या लगी हैं वो लोग क्या सही से मैनेज नहीं कर रहे हैं पब्लिक फाइनेंस, क्या क्या सही से मैनेज नहीं कर रहे हैं पब्लिक फाइनेंस, आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। दूसरा क्या बेटा कॉरपोरेट फाइनेंस, दूसरा क्या बेटा कॉरपोरेट व्हाट इज कॉरपोरेट, कंपनी पैसा कहाँ से उठाएगी, कहाँ से पैसा उठाएगी, डेट लेगी इक्विटी लेगी, वो होगा कॉरपोरेट फाइनेंस, होगा पर्सनल फाइनेंस, इंसान अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेगा, हाथ में कैश रखेगा, ये सब हम अच्छे से डिटेल में उसमें भी पढ़ चुके हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा था शायद से, तीन पर्पस के लिए होल्ड करते हैं अपन पैसे को, याद है क्या कौन कौन से पर्पस, ट्रांजेक्टिव ठीक है याद है, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्टिव प्रिकॉशनरी और स्पेक्यूलेटिव, पहले ट्रांजेक्शन करने के लिए फिर कुछ सेफ के लिए और आखिरी में स्पेक्यूलेटिव के लिए, समझ गए क्या। चलो ये डेफिनेशन अलग अलग अंकल लोग ने दी अलग अलग, उप देखो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखो फटाफट फटाफट फटाफट, पहला क्या है इन्वेंटरी मैनेजमेंट पढ़ लिया है, अरे इन्वेंटरी मैनेजमेंट पढ़ा है, ईओक्यू अंडर रूट 2AO अपॉन सी, कितना पैसा रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम लेवल पढ़ा है, स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट हमको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना मॉडर्नाइजेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, नए बिजनेस में चाहिए, मशीनरी को रिप्लेस करना चाहिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए सोचना चाहिए, क्या बात समझ में आ रही है। मैंने बताया इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड करता है कैपिटल बजटिंग हमको पढ़ना बचा है, साथ में हमको क्या पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमको क्या आनी चाहिए मेजरिंग ऑफ रिस्क, लिक्विडिटी देखनी चाहिए करंट असेट्स के लिए, क्या बात समझ में आ रही है, ये हम कैपिटल में पढ़ा था। एक्सपेंशन करना है तो क्या करना है बाय हायर और इन्वेस्टमेंट, कुछ बातें कैपिटल बजट कवर होंगी, हाँ या ना फटाफट बोलो। ये उन्होंने बता दिया एक होता है कैपिटल बजटिंग, आते हैं फाइनेंशियल डिसीजन आ गया, लेकिन अपन उसको स्किप नहीं करते हैं, एक बार ऊपर से नजर तो अपन मार ही लेते हैं ताकि तुम ऐसा लगे हाय राम, थोड़ा सा बता देता हूँ क्या कैपिटल बजटिंग क्या होता है बेटा, असेट क्रिएशन, क्या होता है असेट क्रिएशन, मेनली कैपिटल बजटिंग मतलब फिक्स्ड एसेट्स खरीदें कि ना खरीदें, तुम सोच रहे हो तुम्हारे घर में बात चल रही कि नई कार लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, अरे घर बड़ा पुराना हो गया नया घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि कब तक एक जगह पे काम करेंगे एक दुकान और खोल लेते हैं, क्या बात समझ में आ रही है, अभी ये वाले मार्केट में दुकान है वो वाले मार्केट में दुकान और खोल लेते हैं, या और क्या करते हैं यहाँ पे अभी एक मशीन है जो 200 यूनिट्स बनाती है एक मशीन और बढ़ा देते हैं, क्या बात समझ में आ रही है, ये सब क्या है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं। इसके अंदर ठीक है क्या, तो किस किस बात का ध्यान रखोगे, कब कब कैपिटल बजटिंग लगेगा, जब आप एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हो, जब आप क्या का प्लान कर रहे हो एक्सपेंशन का, और किसका प्लान कर रहे हो एक्विजिशन का, एक्विजिशन का मतलब आप किसी रनिंग बिजनेस को खरीदने का प्लान कर रहे हो, रनिंग बिजनेस को क्या कर रहे हो खरीदने का प्लान कर रहे हो, कि चलो एक काम करो फेसबुक बोल रहा है बैठे बैठे क्या करें करना है कुछ काम व्हाट्सएप खरीद लेते हैं, क्या बात समझ में आ रही है, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो एक्विजिशन में आता है। तीसरा क्या है रिप्लेसमेंट, ये प्रोजेक्टर खराब हो गया है ना इसकी जिंदगी चली गई है अब इसको रिप्लेस कर देना चाहिए, क्या बात समझ में आ रही है, क्यों ना हम नया प्रोडक्ट लेके आए, क्यों ना हम यहाँ पे नया ऐसा कैमरा लेके आए जो खुद गोल गोल घूमता रहे, तो वो क्या हो जाएगा बेटा न्यू प्रोडक्ट, क्या बात समझ में आ रही है, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए कि और क्या आ गया मार्केट में दुनिया में हमारे लिए क्या नया करना चाहिए, मैं क्या है फिर मेजर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, क्या बात समझ में आ रही है, अगर हमको कुछ लगाना है चलो ठीक है पैन इंडिया मार्केटिंग करते हैं पूरे शहर में होर्डिंग ले लेते हैं उसके लिए भी क्या लगेगा पैसा लगेगा, तो ये सब कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आते हैं। वेलफेयर इन्वेस्टमेंट, एक जगह खोलते हैं जहां गरीब बच्चों का इलाज होगा तो वो भी क्या है एक प्रकार से वेलफेयर है, समझ आ रहा है क्या, तो ये सारे डिसीजन कौन से डिसीजन होते हैं बेटा कैपिटल बजटिंग डिसीजन होते हैं, हो कि नहीं हो मेरे साथ फटाफट बोलो, ऑब्वियस सी बात है अगर इतने बड़े बड़े जीवन में फैसले लेने हैं तो क्या होगा बेटा उसमें बहुत ज्यादा क्या होगा रिस्क होगा, ठीक है लार्ज प्रॉफिट्स आर एस्टिमेटेड, इतना बड़ा काम तब करोगे जब तक तुमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद होगी, लॉन्ग टाइम पीरियड इंग्लिश
लॉन्ग टाइम पीरियड, अच्छा बिटवीन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड एस्टिमेटेड रिटर्न, क्या बात समझ में आ रही है? आज पैसा लगा रहे हैं, रिटर्न 5 साल बाद आने वाला है, क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है कि आज बच्चा पैदा हुआ है 18 साल के होने के बाद कमा के देगा, उसकी भी कोई गारंटी हालांकि नहीं है आज के समय पे। तो क्या है बेटा, लॉन्ग टाइम पीरियड बिटवीन इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड एस्टिमेटेड रिटर्न। कोई बड़ा धंधा करने जा रहे हो तो सोच के रखो कि आज पैसा लग रहा है, 10 साल बाद रिटर्न आएगी, अभी इतनी जल्दी रिटर्न। अरे बेसिक बेसिक बातें, हाँ है ना, बोलो यार फिर क्या है। नई मशीन लेनी है कि नहीं लेनी है, नया प्लांट लगाना है कि नहीं लगाना है, कुछ और नया सेटअप करना है कि नहीं करना है, ये करते समय दिमाग में क्या रखते हो? दिमाग में ये रखते हो क्या उससे कैश फ्लो आएगा, क्या उससे पैसे आना शुरू होंगे कि नहीं होंगे, क्या बात समझ में आ रही है? वेदर दैट प्रोजेक्ट विल बी इक्वल एबल टू जनरेट कैश फ्लो फोरकास्ट फॉर द प्रोजेक्ट। तो हम देखते हैं कि भैया आज लगा रहे हैं कब इसका पैसा आना शुरू होगा, बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज क्या देखते हैं, डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब कोई बता सकता है? पूरी फाइनेंस पढ़ चुके हो तुम लोग तो क्या है, सत्यनारायण की कथा टाइप सुनते रहोगे बैठ के, थ्योरी है क्या ये बताओ, डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा ये? कौन क्या बोल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक एक करके बोलो। हाँ बोलो, प्लीज एलाबोरेट। कुछ भी जहां अपॉर्चुनिटी लगाते जा रहे हो बस। डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब जो पैसा मैं लगाने वाला हूँ क्या उसका कोई और दूसरा बेहतर उपयोग तो नहीं है? मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नई टीवी लगाने की सोच रहा हूँ, वो मान के चलो 70,000 की आ रही है, तो वो 70,000 की टीवी लेने की जगह क्या मैं कोई ऐसा दूसरा काम कर सकता हूँ उस 70,000 से जो मेरे बिजनेस के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट, क्या बात समझ में आ रही है? तो कहीं पैसा लगाने वाले हो, नई नई गाड़ी खरीदने वाले हो 10 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की, तुमको लग रहा है ये 15 लाख रुपए गाड़ी में लगाने से अच्छा धंधे में लगा देते हैं तो शायद ज्यादा रिटर्न आएगा। तो ये 15 लाख रुपए जो गाड़ी में लगाने वाले, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है धंधे में लगाना, बात समझ में आ रही है? तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखी जाती है कि इसको और कहाँ लगाया जा सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर क्या है, यूज द कैश फ्लोज एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू कंप्यूट द रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट। क्या कितना पैसा आएगा, कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कितना पैसा वाला है, इन सब को कैलकुलेट करके आप डिसाइड करते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। हाँ या ना, फटाफट बोलो। अरे आया, ये देखो इन्होंने मेथड के नाम बोल दिए, एनपीवी, पे बैक, आईआरआर, ये तीन मैंने नाम आपको बताए थे। फिर क्या है, ए आर आर मैंने बोला था, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, और पी आई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये नाम भी इनने दिए। ये क्या, ये सारे मेथड्स होते हैं, ये अपन इसको पढ़ेंगे कि कैपिटल बजटिंग चाहते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे एग्जाम के लिए एनपीवी रहेगा, आईआरआर रहेगा, क्या बात समझ में आ रही है? बाकी पे बैक तो ईजी है, कुछ खास उसमें रहता नहीं है, पीआई थोड़ा बहुत रहता है तो रहता है, लेकिन मेनली सीखना है तो क्या सीखना है, एनपीवी सीखना है, समझ में नहीं? और साथ में हाँ यार फटाफट बोलो, आया कि नहीं आया? दूसरा, अर्निंग वर्सेस कैश फ्लो, सिर्फ कमाई नहीं देखनी है, कैश फ्लो भी देखना है। कई बार क्या होता है, कमाई होती है लेकिन कैश फ्लो नहीं होता है, मतलब कि पैसा नहीं आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है सामान, क्या बात समझ में आ रही है? नगदी पैसा वापस निकल रहा नहीं है, तो कैश फ्लो होना भी जरूरी है, और सिर्फ कैश फ्लो से मतलब नहीं है, कमाई होना भी जरूरी है। पैसा आ बहुत रहा है, 1 लाख की या 10 लाख की चीज बेच रहे हो, 10 लाख 1,000 रुपए में, तो 10 लाख जा रहे हैं, 10 लाख 1,000 आ रहे, आते बड़े बड़े अमाउंट दिख रहे हैं, क्या बात समझ में, लेकिन कमाई मात्र 1,000 रुपए की है, क्या बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ पैसा जाना आना नहीं दिखना चाहिए। कई बार तुमको बड़े बड़े दुकानदार दिखेंगे, ये ले मोटी मोटी गड्डी गिन रहे हैं, क्या बात समझ में आ रही है? मार्जिन जरा सा है, क्या बात समझ में आ रही है? सिर्फ कैश जाता हुआ ज्यादा दिख रहा है और आता हुआ ज्यादा दिख रहा है। जैसे कि हमारा तेल का काम, हमारा तेल का काम था, तो उसमें एक तेल का जो टीन है जो तुम अपन खरीदते हैं पीने वाला तेल, वो उस समय पे तब अभी कितने का मिलता है, मुझे 2,000 कितने का मिलता है, 2,000 2,500 का एक तेल का टीन रहता है, ठीक है क्या? और उसमें एक टीन में बचते कितने थे, 4 रुपए, तो समझ में आ रही है? तो 10 टीन बेच दिए, मैं दुकान में बैठा था छोटा था, 2,000 रुपए के 10 टीन में दिए, 20,000 की कमाई हो गई, पता पड़ा 4 रुपए के हिसाब से 4 रुपए, ठीक है क्या? कोई उतना मार्जिन नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए, पहले 4 या 50 रुपए कुछ ऐसा मार्जिन रहता है, कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं रहता, पहले की बात है जब मैं छोटा था। चलो यहां तक समझ में आया, मतलब बेसिकली क्या है, अर्निंग वर्सेस कैश फ्लो, क्या क्या क्या, अर्निंग वर्सेस कैश फ्लो, दोनों का बैलेंस मेंटेन होना जरूरी है। आगे बात करें,
देखो, अरे अरे वो द मूवी ऑफ फॉरेस्ट गम का एग्जांपल दिया, क्लासिक एग्जांपल। सॉरी आई डोंट हैव टाइम। ये देखिए मूवी वाली, द मूवी ऑफ फॉरेस्ट गम। अरे वही लाल सिंह चड्ढा, इंग्लिश वाली ओरिजिनल वाली देखी ना, लाल सिंह चड्ढा वाली तो नहीं कहती ना, मम्मी कहती थी बना दी। ओरिजिनल पिक्चर अच्छी थी। चलो ओए, बेसिक बेसिक बातें, थिंग्स टू चेक, ये मैं पढ़ाने की जरूरत है क्या वैसे, बताओ ना, तुम लोग इतने बड़े हो गए हो। थिंग्स टू चेक फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कहीं पैसा लगाने वाले हो क्या क्या चेक करोगे, क्या चेक करोगे, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी, जो पैसा लगा रही है उसकी क्वालिटी कहाँ है, कहाँ पैसा लगा रही है। तीसरा क्या है, डस बिजनेस हैव हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन ऑर्गेनिक एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ये सब पढ़ लेना, जो पॉइंट ना समझ में आए अपन से पूछ लेना। टर्न इन बिजनेस एंड सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स, इन हाउस एक्सपेंडिचर भगा तो आउटलो, सब पढ़ लोगे, आ गए तुम्हारे फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या होते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन बताओ, डेट लें या इक्विटी, कहाँ से डेट लें, कितना इक्विटी लें, कितना अगर डेट की तरफ, याद है थोड़ी बहुत पिक्यूलरिटीज याद करो, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या थी, एक अप्रोच ये बोलती थी कि अगर हम डेट की तरफ मूव करते हैं तो इक्विटी को फर्क नहीं पड़ता, हम इक्विटी की तरफ जाते हैं, हम सॉरी हाँ हम इक्विटी की तरफ जाते हैं तो डेट सेम रहता है, इसलिए हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, कम होती है। ये कौन बोलता था, एनआई, ये कौन बोलता था, एनआई, एनओआई क्या बोलता था, कि हम अगर डेट की तरफ जाते हैं, हम अगर किसी तरफ जाते हैं डेट को, तो इक्विटी वाले हिलने लगते हैं और इक्विटी की कॉस्ट कौन लगती है, बढ़ने लगती है, इसलिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, जिस बोलता था इससे फर्क नहीं पड़ता, याद है क्या, तो एनआई बोलता था चलो सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, हम डेट की तरफ जाते हैं तो इक्विटी को फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ डेट तरफ जाते हैं तो इक्विटी को फर्क पड़ता है ना, एक क्या बोलता है डेट, एनआई बोलता था डेट लो, डेटी डेट, डेटी डेट, डेटी डेट, याद है क्या, और एनओआई क्या बोलता था, इक्विटी 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 इक्विटी, एमएम बोलता था फालतू लड़ते रहते जो करना करो, फालतू परेशान मत, क्या, तो वो कौन बोलता था, एमएम अप्रोच, अरे कौन बोलता था, एमएम अप्रोच, पढ़ा है पूरा पढ़ा हुआ है सब, बस इसमें वही दिया होगा, फंड इज इक्वल्स टू ओनर्स फंड प्लस बोरोड फंड, ओनर्स फंड के अंदर क्या क्या जाता है बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बोरोड फंड के अंदर क्या जाता है, लोन डिबेंचर एंड पब्लिक डिपॉजिट्स, बताओ कोई बातें वही करने की, तो सुबह सुबह आंख लेके क्या क्या पढ़ा रहा हूँ। हाँ भैया, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन, डेट लेना है कि इक्विटी, कैसे डिसाइड करते थे बताओ, हाँ क्या है, हाँ भैया फाइनेंसिंग डिसीजन आपको डिसाइड करना है कि डेट ले या इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कंपेयर करते थे बोलो, हाँ दोनों के रिस्क को कंपेयर करते थे बोलो, हाँ कैश फ्लो पोजीशन कैसी है ये देखते थे, याद करो मैंने बताया था, अगर कैश फ्लो अच्छा है, अगर कैश फ्लो अच्छा है तो डेट ले सकते हो, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट देने की क्षमता है तुम्हारे पास, क्या बात समझ में आ रही है, और अगर डेट अच्छा, अगर कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो चुपचाप इक्विटी लो, भले महंगा पड़ रहा है लेकिन परमानेंट कुछ फिक्स अमाउंट जाना नहीं है, कुछ याद आया, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंट्रोल कंसिडरेशन, मतलब कि क्या आप अपना कंट्रोल रखना चाहते हो कि छोड़ना चाहते हो, अगर कंट्रोल रखना चाहते हो तो डेट लो, क्योंकि इक्विटी में पूरी ओनरशिप आपके पास होती है, अगर इक्विटी लेते हो तो ओनरशिप क्या होती है, डाइल्यूट होती है, अगर ओनरशिप डाइल्यूट करने तैयार हो तो इक्विटी देना, तो इक्विटी लेना, क्योंकि ओनरशिप डाइल्यूट कर रहे हो मतलब और इक्विटी इशू कर रहे हो, अपने आप से कंट्रोल छोड़ रहे हो, पढ़ा हुआ है सब। फिर क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट, व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट तुम बताओ, इशू करने में जो कॉस्ट लगती है, याद है डिबेंचर को इशू करने में कॉस्ट लगती है, डेट को इक्विटी को इशू करने में कॉस्ट लगती है, वो सारी कॉस्ट कौन सी कहलाती है, फ्लोटेशन कॉस्ट, क्या बात समझ में आ रही है, एक चैप्टर था कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें अपन पूरा डिटेल ये सारी बातें पढ़ी हुई, हाँ या ना फटाफट बोलो, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो पढ़ा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पढ़ी है, क्या क्या होता है बताओ, रिसीविंग कैश फ्लो फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर, पेइंग कैश डिविडेंड, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन को पैसे मिले, और क्या है हाइब्रिड सिक्योरिटी से भी पैसे मिले, कुल मिला के डेट इक्विटी से पैसे मिले तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, समझ गए कि नहीं समझ गए, अब क्या होता है तुम्हारा डिविडेंड, हाँ भैया सुन रहे हो, तेज लग रहा है क्या,
पूरा पढ़ा हुआ है सब कुछ, क्या बात सुन में आ रही है? एकदम फ्रेश है, एकदम नया, मतलब है सबसे एकदम फ्रेश, कुछ भी नहीं है, सब पढ़ा हुआ है, क्या बात सुन में आ रही है? अब मैं इसको पहली क्लास जैसे नहीं पढ़ा सकता हूँ बच्चों, देर इज नो लीगल कंपल्शन, क्या बात सुन में आ रही है ना? अब तुम्हारा 1 महीने बाद एग्जाम है, ये वो पॉइंट्स है जिसमें क्या है बेटा, जिन बातों का डिविडेंड में ध्यान रखना होता है। पहली चीज क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट मतलब कहीं आपके पास लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि आपको इतना अमाउंट पे ही करना है, क्या बस इसमें डिविडेंड पे करते समय जैसे आपने बायबैक किया है तो आप कब डिविडेंड पे नहीं कर सकते हो, कब पे कर सकते हो, क्या बात समझ में आ रही? कौन से पैसे को यूज कर सकते हो, कौन से पैसे को यूज नहीं कर सकते हो, कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा, क्या बात समझ में आ रही है? तो डिविडेंड डिसीजन करते समय आपको क्या करते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। और किसका ध्यान रखना पड़ता है, फर्म्स लिक्विडिटी पोजिशन, और किसका ध्यान रखना पड़ता है, रीपेमेंट, कहीं कोई कर्जा अर्जा तो नहीं लेगा जिसको चुकाना है, पता पड़ा डिविडेंड बांटे हुए हैं और डिबेंचर वाले खाली बैठे हुए हैं, लोन वाले बैठे हुए हैं कि हमारा पैसा चुका दो, हमारा पैसा चुका दो, सब डिविडेंड बांटे पड़े हो। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये पढ़ाया था, अगर आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है इन्वेस्टर के रेट ऑफ रिटर्न से तो क्या करोगे, डिविडेंड बांटोगे कि नहीं बांटोगे? आर आपका एक्सपेक्टेड आरओआई इज ग्रेटर देन केई, ROI is greater than KE, डिविडेंड बांटोगे कि नहीं बांटोगे? नहीं बांटेंगे, क्यों? क्योंकि आप ज्यादा कमा सकते हो उससे, बोलो हाँ या नहीं? ROI is less than KE, पूरा डिविडेंड बांट देंगे, पूरे डिविडेंड डिसीजन में यही पढ़ा था बे, ठीक है क्या? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है तो डिविडेंड बांटो, पता तो पड़ा आज दिवाली, हेलो बॉस ऐसा काम नहीं करना, पड़ा पूरा डिविडेंड बांट दिया, कल मांग रहे पैसा फिर से, अरे वापस दे दो। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी तो कुछ खा, ये तीनों पढ़े तो याद है, तो बताओ, स्टेबल डिविडेंड पे आउट रेशियो, स्टेबल डिविडेंड पर शेयर और रेगुलर प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड पॉलिसी। एक काम करो, ये तीनों के सिर्फ नाम सुन के आप मुझे बताओ क्या, स्टेबल डिविडेंड पे आउट रेशियो और स्टेबल डिविडेंड पर शेयर में क्या फर्क है, ये मैंने क्लास में बताया हुआ है। उल्टा बोल रहे, पे आउट रेशियो में परसेंटेज में देता है, क्या बात समझ में आ रही है? कि अर्निंग का 30% डिविडेंड बांटेंगे तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो गया, 30%, तो हर बार 30% डिविडेंड बांटेंगे तो उसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। हर बार डिविडेंड बराबर नहीं मिलेगा पर पे आउट रेशियो क्या रहेगा, सेम, जितना कमाया उसका 30%, 1000 कमाए 300 बांट दो, 2000 कमाए 600 बांट दो, 500 कमाए 30% यानी 150 रुपये बांट दो, नहीं कमाए मत बांटो, क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पे आउट रेशियो कॉन्स्टेंट, क्या बात समझ में आ रही है? स्टेबल डिविडेंड पर शेयर मतलब हर शेयर पे 50 रुपये देंगे, कमाया कितना भी हो पर शेयर 50 रुपये फिक्स है। तीसरा क्या है, रेगुलर डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड पॉलिसी, हर साल 50 रुपये देंगे, इस साल ज्यादा कमा लिया है तो एक्स्ट्रा ले जाओ, ये पापा की पॉकेट मनी का कल्चर है बेटा, क्या बात समझ में आ रही है? कई पापा लोग कैसे देते हैं, स्टेबल डिविडेंड पे आउट रेशियो, जितना पापा के पास है उसका परसेंटेज में तुमको मिलेगा, ठीक है, ऐसा होता नहीं वैसे, क्या बात समझ में आ रही? दूसरा क्या है, स्टेबल डिविडेंड पर शेयर, क्या है, स्टेबल डिविडेंड पर शेयर, रोज का 100 रुपया ले लेना, फालतू हल्ला नहीं मचाना, क्या बात समझ में आ रही है? महीने का 5000 रुपये ले लेना, ठीक है, अपने खर्चे चलाना, उसके ऊपर से मत मांगना, क्या बात समझ में आ रही है? किस दिन पापा खोजा हो रखा हुए कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड पॉलिसी, क्लियर है या नहीं? क्लियर है, फटाफट बोलो, आया कि नहीं आया? दिन पापा पार्टी के मूड में उस दिन आ रहे, यार कोई बात नहीं है, लैपटॉप चाहिए बेटा, क्या किसका है? ये लाइन सुनी सुनी लग रही है क्या? सुनी सुनी ये लाइन सुनी हुई लग रही है क्या? अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, याद है कुछ? अरे ये डिविडेंड पॉलिसी में सेम मुहावरा पढ़ा है, हर बार ऐसा बता रही जैसे पहली बार पढ़ा है, याद करो मैं बोलता था इसको, मैं कैसे बताता था, आज के
के ताजमहल से आज का झुमरी तलैया। अच्छा, क्या बात समझ में आ रही है कि कई बार जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या सोच रहे होते हैं, तुम कंपनी उसको बोल रही है आज तुम्हारा पैसा रख लिया कल और कमा के देंगे, आज तुम्हारा पैसा रख लिया कल और कमा के देंगे, कल और कमा के मत दो, जितना है आज हमको आज दो। क्या बात समझ में आ रही है, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। कल के सुनहरे वादे मत दिखाओ, जो आज होता है वो दो हमको। क्या बात समझ में आ रही है, तो कल के ताजमहल से आज का झुमरी तलैया। अच्छा, क्या बात समझ में आ रही है, जब भी पापा लोग बोले कि बेटा अपन 3 महीने बाद वहां घूमने चलेंगे, वो सब मत बताओ, अभी कहाँ चलना है, किसी के घर वाले रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ना देखें, बस आ लड़का भड़का रहा है। ये पेबैक पीरियड वाले क्वेश्चंस हैं, ये अपन उसके साथ करेंगे, इसके साथ पे बैक वाले क्वेश्चन से ये अपन किसके साथ करेंगे, कैपिटल बजटिंग के। यहाँ से अपन स्किप कर रहे हैं इसको, यहाँ से प्रैक्टिकल्स आए हैं ये अपन उसके साथ करेंगे, पे बैक वाले से। एक काम करो, मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, यहाँ तक का जो पढ़ा दिया है इसके ऊपर का एक बार रीड, तो कम से कम पैराग्राफ बाय पैराग्राफ नज़र मारो कौन से पॉइंट क्या दिए हुए हैं 5 मिनट का। अगर कोई पैच लग रहा है कि भैया नहीं बनेगा तो बताओ, मैं उसको और डिटेल में समझ, मेन मेन पॉइंट सारे एक बार किए हैं, बट फिर तुम भी एक बार अपने हिसाब से स्कैन कर लो आंखों से। ये प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये सब परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब अपन अगले चैप्टर। वे पास करने नहीं बोला, पढ़ो। तुम लोग को एकदम पीछे बिठा दूँ, लास्ट बेंच।
कब होता है तो कन्वर्ट करना, रन इन बिजनेस मतलब यहाँ पे मतलब ये है कि ये क्या क्या बिजनेस आप साथ में दिया, सेल ऑफ बिजनेस, बिजनेस के असेट वगैरह को बेच के आप अनड्यू प्रॉफिट तो नहीं दिखा रहे, बात समझ में आ रही है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, बात समझ में, कंपनी के ऊपर क्या करती है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या एसेट करती है जिस ट्रांजैक्शन फेयर प्राइस पे हुए हैं, अकाउंट फॉर हुए हैं, वही लिखा हुआ है अंदर भी, वही हो गया, नजर मार ली, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते, बैठो हे राम तेरी माया, खूब तो कहीं फाइनेंसिंग डिसीजन देख लिया ना बनने, हाँ अपन को पूरा ये वाला पैच छोड़ना है, अभी अपन को सीधे प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, ये सब मैं तुमको पढ़ाऊंगा, सीधे कैपिटल स्ट्रक्चर में आ जाओ, कहां पे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ, अभी तो पढ़ा अपन ने वही कितना डेट और कितना इक्विटी, क्या लेना, वो पूरी कहानी उनने वही ओवरऑल लिखी हुई है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करता है केडी सस्ता है कि केई सस्ता है, रिस्क लेना है कि नहीं लेना है, उन बातों का ध्यान देख करते हैं कि क्या ये ओवरऑल उन्होंने दिखा दिया फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल वर्किंग कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर और डिविडेंड डिसीजन, बात समझ में आ गई, अपन ने ओवरऑल कैपिटल पढ़ दिया, अब वैल्यू ऑफ फर्म ऑन रिस्क एंड रिटर्न, ये क्या, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये तुमने पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है, कैपम मॉडल, अभी पढ़ा, कैपम मॉडल क्या होता है, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, इसका लॉजिक क्या था कि अगर मेरे को रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है तो मैं रिस्क फ्री रिटर्न लूंगा, मैं अगर किसी कंपनी में लगाना चाह रहा हूं तो मुझे एक्स्ट्रा रिस्क का क्या चाहिए, एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, अगर मैं रिस्क उठा रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए, एक्स्ट्रा रिटर्न, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, याद है क्या तुमको, है ना, अगर कंपनी रिस्क लेने जाती है तभी रिटर्न कमा पाती है, अगर वो रिस्क को बचाएगी तो रिटर्न कमाएगा, अगर रिटर्न को कमाएगी तो रिस्क भी ज़्यादा आएगा, तो जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि वो क्या करे, रिस्क बचाए कि रिटर्न बचाए, इन दोनों की आपस में क्या चलती रहती है, लड़ाई चलती रहती है, तो उसको कहीं ना कहीं क्या पाना होता है, बैलेंस पाना होता है, क्या पाना होता है, बैलेंस, बैलेंस बिटवीन वॉट बेटा, रिस्क एंड रिटर्न, बैलेंस बिटवीन वॉट बेटा, रिस्क एंड रिटर्न, कितना रिस्क है और कितना क्या है रिटर्न है, तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है, हाँ या ना बोलो, तो यही अपन ने पढ़ा हुआ है, यही उनने बोला, ये क्या है आर एफ, ये क्या है आर एफ, रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क प्रीमियम यानी मार्केट के कारण कितना हो रहा है, मार्केट के कारण कितना एक्स्ट्रा रिटर्न आ रहा है, अब जितना मेरा बीटा बढ़ेगा, जितना मेरा बीटा बढ़ेगा एक से ज्यादा होगा तो उतना मैं रिस्क प्रीमियम से भी ज्यादा चाहूंगा, क्योंकि रिस्क प्रीमियम क्या होता है, एक बीटा,
याद है आर एम माइनस आर एफ मार्केट का बीटा कितना होता है, 1। अगर मेरा बीटा बढ़ रहा है तो मैं रेट ऑफ रिटर्न भी क्या चाहूंगा, ज्यादा चाहूंगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है बेटा, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। आप ये देख सकते हो, ये उन्होंने वही डायग्राम बनाया हुआ है कि हायर द रिस्क हायर द, ये है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, मिला के क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, रिटर्न और रिस्क के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो लिखा हुआ है ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ मतलब बैलेंस, कहीं इससे कॉम्प्रोमाइज कहीं उससे कॉम्प्रोमाइज, के बाद समझ में आ रही है। तो वो रिस्क और रिटर्न का बैलेंस बना के मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म को बढ़ाने की कोशिश है। तो ये तीनों डिसीजन अल्टीमेटली क्या जाते हैं, रिस्क और रिटर्न। हर जगह हमने रिस्क और रिटर्न ही कैलकुलेट किया, हम जब कैपिटल डिसीजन ले रहे थे, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन ले रहे थे, तो हम देख रहे थे ना कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है और रिस्क कितनी है। इक्विटी से हमको क्या आ रहा था, रिस्क। इक्विटी से हमको क्या आ रहा था, रिस्क, लेकिन वो क्या पड़ रही थी, सस्ती। क्या बात समझ में आ रही है, सॉरी वो क्या पड़ रही थी, महंगी। डेट क्या था, डेट क्या था, सस्ता। क्या बात समझ में आ रही, लेकिन उसमें क्या था, रिस्क ज्यादा था। क्या बात समझ में, उसमें रिस्क क्या था, ज्यादा था। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, कंपनी को क्या है, डेट सस्ता है लेकिन रिस्क क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट देना ही देना है। और इक्विटी को क्या है बेटा, इक्विटी महंगा है लेकिन रिस्क कम है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उल्टा। याद है बहुत डिटेल में लिखवाया था कैपिटल स्ट्रक्चर के टाइम पे, एक बार कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बार उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ या ना बोलो, चलो अब ये कहानी है, एक है लिक्विडिटी, एक है लिक्विडिटी, और दूसरी है प्रॉफिटेबिलिटी। क्या हम ये भी जानते हैं लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का बनाना पड़ता है। लिक्विडिटी के लिए हमने क्या पढ़े हैं, सारे रेशियोस, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस क्या बताते हैं बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सबके फॉर्मूले याद है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, है ना। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। इन लोग ने और भी कुछ फॉर्मूले डाल दिए हो तो नजर बेटा, ये चैप्टर अब क्या है बेटा, अब मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, सुनो। हम कब से पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 2-3 महीने से पढ़ रहे हैं। क्या मैंने अभी तक एक बार भी आपको रीडिंग का बहुत ज्यादा होमवर्क दिया इतने महीनों में? अब दूंगा, अभी तक जो था सब मेरा वाला रोल था कि जितना मैं तुमको क्लास में एक्सप्लेन कर पाऊं, तुम सिर्फ घर में जाके क्या करो, क्वेश्चंस करो। क्या बात समझ में आ रही है? अब बेटा यहाँ पे वापस से तुम्हारा रोल शुरू होता है। तुम याद करो वापस से, जब हम कॉर्पोरेट पढ़ रहे थे, कॉर्पोरेट में भी मैं रीडिंग देता था, जैसे ही फाइनेंस आया मैंने रीडिंग देना बिल्कुल बंद कर दिया, और वापस से मैं तुमको कायम रीडिंग करूंगा, क्योंकि ये जेनरिक चैप्टर्स है, इस पे मैं क्लास में बैठ के क्लाइंट बताऊं तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तुम पूरा पढ़ के आओ, जहां तुमको जो पैच समझ में ना आए, अगर कोई ऐसा पैच है जो किसी को समझ नहीं आए तो वो क्लास में लेंगे, अगर इंडिविजुअल है तो क्लास के बाद आगे पूछो, वो पैच में आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां से आपकी रीडिंग की प्रक्रिया ज्यादा बढ़ जाए, जैसे मेरे को लगता है बाकी थ्योरी सब्जेक्ट्स में होता होगा कि पैचेस पढ़ के आने पड़ते होंगे। बात समझ में आ रही है? अभी तक ये सीएफएम में नहीं था, अब इसमें भी आएगा। हां या ना फटाफट बोलो, आया कि नहीं आया? ये पूरा प्रॉफिटेबिलिटी आप रीड करके आओगे, नहीं बनेगा तो मुझसे पूछोगे लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इतना ही करें, क्योंकि इससे तुम रीड नहीं करके आ पाओगे, मैं तो पढ़ा दूंगा। क्या बोलते हो, एक काम करो, आज के लिए तक करते हैं, यहाँ तक पढ़ के आओ, कॉस्टिंग एंड रिस्क की बात का मैं आपको पढ़ाऊंगा, और कल इस चैप्टर को हम क्या करें, ये तुम्हारे, देखो एक बार बस देखो, एक मिनट देखो, टॉपिक का नाम क्या है, कॉस्टिंग एंड रिस्क, दिख रहा है, जाता हूँ, कुछ कहानी थी, ये पढ़ा है क्या, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। व्हाट इज सिस्टमैटिक रिस्क, जिसको अनडाइवर्सिफाइड मतलब अनकंट्रोलेबल, ठीक है, सिस्टमैटिक मतलब अनकंट्रोलेबल, देखना नाम उल्टा है, सिस्टमैटिक अनकंट्रोलेबल, अनसिस्टमैटिक कंट्रोलेबल, ठीक है क्या, तो सिस्टमैटिक के आगे अन है क्या, अनकंट्रोल, अनसिस्टमैटिक यानी कंट्रोलेबल, समझ गए क्या बोल रहा हूँ, समझे, सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है बेटा, अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल में क्या क्या है, टैक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, टैक्स रिफॉर्म्स, लीगल, इसके कारण जो आने वाले रिस्क है, मैक्रो लेवल के रिस्क क्या कहलाते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क।
है, कौन से कहलाते हैं? सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क कौन से होते हैं बेटा? ये जो आपके कंट्रोल में है, आपके पर्टिकुलर बिजनेस लेवल के हैं। नया कॉम्पिटिटर आ गया, ठीक है, कंपनी को अपने प्रोडक्ट में खराबी निकल के वापस मंगाना पड़ गया, कोई फ्रॉडलेंट स्टेटमेंट आपने कर दिए, है ना, एम्प्लॉई लोग आके यूनियन बना के, माइक्रो में, हाँ बिल्कुल वो मैक्रो, ये माइक्रो, समझ गए, पढ़ के मत आना, लेकिन मैंने बता दिया, ये पूरा अपन ने पढ़ा हुआ है, देखो यही पढ़ा था, परचेजिंग पावर रिस्क, मार्केट रिस्क, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इंपॉर्टेंट है, ऊपर तक पूरा कर चलेगा कि हाँ या ना बोलो, करके आओगे पक्का?